जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सूखे की स्थिति है वो बनी हुई है और कई जगह है जहाँ अल्प वर्षा हुई है और बहुत से ऐसे जगह है जहाँ वर्षा बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहुत परेशान हैं। तो उन किसान भाइयों को हम बता दें कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है वो निकल करके सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रति एकड़ 9,000 रुपये की मदद देने का ऐलान है वो किया है। जी हाँ किसान भाइयों, वर्षा हो चाहे ना हो, 9,000 रुपये किसानों के खातों में है वो आ जाएगा। पानी की स्थिति खराब है, बांध माने पानी नहीं है, पानी कांकेर में पानी चली गई है, तो बांधे मन नहीं भरे। उम्मीद है कम गिर जाए फसल बची, लेकिन एक बात भी मैं कहा था, फसल हो चाहे मत हो, 9,000 रुपये एकड़ छत्तीसगढ़ सरकार आपके खाते में डाली है। इस तारीख के दिन अभी पैसा 1 नवंबर के मिली, मार्च में मिली और अगले साल फिर मिली। तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और सरकार के इस फैसले से किसानों में आशा की किरण है वो जाग गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस मदद के ऐलान का है वो स्वागत किया है और प्रदेश में सूखे की स्थिति होने की वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें है वो खींचने लगी थी, लेकिन अब किसानों की समस्या का हल है वो होता नजर आ रहा है। किसान भाइयों, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अगर कम वर्षा की वजह से किसानों के खरीफ सीजन में उन्होंने अगर फसल बोया था जिसमें धान, कोदो कुटी, अरहर आदि की फसल है वो बोई गई थी, लेकिन अगर सूखे की स्थिति में फसल है वो बर्बाद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से प्रति एकड़ 9,000 रुपये की सहायता राशि है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपये है वो दिए जाएंगे। तो आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा किसान भाइयों कि गिरदावरी सर्वे है वो क्या है। तो गिरदावरी सर्वे एक प्रकार का सर्वे है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आपके गांव पर आ करके है वो ये चेक करेंगे कि किस किसान ने किस जमीन पर कितने फसल की बुवाई की और उनके कितने फसल का नुकसान सूखे की वजह से हुआ है, यानी अल्प वर्षा या सूखे की वजह से हुआ है। उस सर्वे के आधार पर हमारे किसान भाइयों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये है वो सूखे की स्थिति में दिए जाएंगे। तो चलिए आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि सरकार ने क्या सच में यह घोषणा की है कि सूखे की स्थिति में किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ है वो दिया जाएगा। तो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ किसान भाइयों, क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगा तो आप क्यों यकीन करोगे। जाहिर सी बात है मैं खुद यकीन नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखिए किसान भाइयों की भूपेश बघेल जी ने खुद ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए कहा है कि राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। जिन किसान भाइयों ने खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुवाई की है, यदि उनकी फसल है वो खराब हो जाती है तो चाहे उत्पादन हो अथवा ना हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपये की सहायता है वो देगी। तो यहाँ देखिए किसान भाइयों, ये खुद भूपेश बघेल जी के द्वारा ट्वीट किया हुआ है, ये ऑफिशियल रूप से है, यानी कि ये जो खबर है वो बिल्कुल सही है और हमारे किसान भाइयों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सूखा हो या पानी गिरे, उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको प्रति एकड़ 9,000 रुपये की सहायता है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक दूसरा ट्वीट करते हुए बताया कि जिन किसानों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है उन्हें यह राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें किसान भाइयों कि प्रदेश में कम वर्षा की वजह से करीब 35 तहसीलों में सूखा पड़ने का आशंका है वो जताई जा रही है और प्रदेश में कुल 174 तहसीलें हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर बारिश के आंकड़ों में सुधार होगा तो किसानों को क्षति कम होगी। अगर अगले 10 दिन में अच्छी वर्षा हो गई तो काफ़ी हद तक स्थिति है वो कंट्रोल हो सकता है। वहीं बारिश में देरी होने की वजह से, कई जिलों में देर से बारिश होने की वजह से धान की रोपाई है उनमें देरी हुई थी, तो ऐसे में धान की फसल पर असर है वो पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश का दौर एक बार फिर नहीं आया तो 20-22% असर है वो इसमें पड़ सकता है। वहीं सरगुजा, कांकेर जिलों की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पास राज्य आपदा मोचन निधि से भी 400 करोड़ रुपए का बजट है जिसके जरिए वो किसानों का मदद है वो कर सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह पता चले कि ऐसी स्थिति में भी सरकार उन्हें मदद कर रही है। और अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।